हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज मैं हिमांश आपके लिए एक नया वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। तो आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोगों ने सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर लिया होगा और 10 मई के लिए तैयार होंगे। तो मेरी आप सभी लोगों के साथ बेस्ट विशेस हैं कि जितने लोग यह वीडियो देख रहे हैं उन लोग ज़रूर से ज़रूर KBC में सेलेक्ट हों। तो ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। और दोस्तों आपको एक विशेष जानकारी और देना था कि KBC में आने वाले संभावित प्रश्नों के संबंध में हमारे द्वारा करंट अफेयर और समसामयिकी और GK की विशेष क्लासेस लगाई जाती हैं, तो आप उन्हें भी लगाकर आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आज हम इसमें KBC में एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को जानने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक हो, भारत में निवास करते हो और 1 मई 2021 तक आप 18 साल या इससे ज़्यादा की उम्र के हो सकते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य की ओर से भागने लेगा, कि भाई क्या होता है कि कई बार कोई अपन किसी और के मोबाइल से रजिस्टर्ड कर देते हैं, बट वो बाद में जब पूरी प्रतियोगिता कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बाद जो रैंडमाइज्ड आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो जिसमें कि कॉल आता है, तो वहाँ पर आपको ही उसका आंसर देना ज़रूरी है, आपके बदले कोई और वहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो एक चीज़ ये याद रखिए आप। ठीक है, और यहाँ थर्ड पॉइंट अपने को बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर जिसने इसके पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट खेल लिया है वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा, वो इस सीज़न में भी हो सकता है और आगे के सीज़न में भी, मतलब पिछले सीज़न में भी जिनने खेल चुका है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको क्षेत्रीय KBC शो में, मतलब वो कोई क्षेत्रीय KBC इस पर सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना हमारे लिए कि क्या एलिजिबिलिटी है और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करें। और दूसरा डाउट यहाँ पर एक और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इसके परिणाम कब देखने को मिलेंगे। तो यदि आपके द्वारा पूरे आंसर सही थे, वैध थे और दोनों सही उत्तर थे, ठीक है, तो दो वैध भी थे और सही भी थे, सभी प्रकार से आपने सही रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए उत्तर दिया है और आप रैंडमाइज्ड सिलेक्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो ये क्वेश्चन श्रृंखला है उसको क्लोज होने के 7 दिवस के अंदर आपको कॉल आता है। ठीक है, और वहाँ पर उस कॉल आने पर वहाँ पर भी आपसे क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिए कि तुरंत आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉल आने पर आप ये विशेष ध्यान रखें कि वहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 GK बेस्ड होते हैं और एक संख्यात्मक रहता है जो आपको मोबाइल से टाइप करके बताना होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को चूक ना करें, आप सही मोबाइल नंबर दें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दें जो चालू हो, तो आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि कई बार आप अगर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको 1 से 2 बार और कॉल आ सकता है, परंतु यहाँ पर आपको अवेयर रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है, आपको मौके बहुत कम मिलेंगे। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप डेली उत्तर दें और अगर आप रैंडमाइज सिलेक्ट होते हैं तो इस प्रकार से गलती ना करें कि आप मोबाइल में जो फ़ोन आएगा फ़ोन को रिसीव ना करें, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी बताएं कमेंट बॉक्स पर, और आप क्या जानना चाहते हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसको हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।